हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 पर है हम। प्रश्न स्वाध्याय के प्रश्न मैंने समझा दिए हैं, लेसन कंप्लीट हो गए हैं हमारा। यहाँ उसका ग्रामर कुछ बाकी है जो देख ले। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। तो आप लोगों को ऐसा आना चाहिए, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर बताए वो आपको ध्यान से लिखने हैं और समझने भी है। मुंह में दर्द भरी आवाज निकलना, तो उसे क्या बोलेंगे? कराहना। दो नंबर पर है घोड़े को बांधने की जगह, जहाँ घोड़े को बांधा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? अस्तबल। तीन नंबर पर ब्रश से घोड़े की सफाई, तो उसे खरहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खरहरा। फोर नंबर पर है पवन जैसी गति, तो उसे वायुवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुवेग। फाइव नंबर पर है दो पहरों का समूह, दोपहर, दोपहर का समय होता है ना वो, दो पहरों का समूह दोपहर। शारीरिक ताकत, तो उसे क्या कहेंगे? बाहुबल। कुछ ऑपोजिट वर्ड्स हैं, विरोधी शब्द हार जीत, नीच पर, खुशी गम, नेकी बंदी, प्रसन्न खीन, प्राचीन अर्वाचीन, स्वामी दास, सन्नाटा कोलाहल, भ्राती निर्भ्राती। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनके अन्य वाक्यों में प्रयोग करना है। खड़क सिंह इस इलाके का मुख्यात डाकू था, तो उसमें विशेषण एक कुख्यात शब्द है, वो विशेषण है। अब उस पर से आप लोगों को क्या बनाना है? सेंटेंस, मतलब वाक्य बनाना है। कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं, देखने में भी वह बड़ा है, तो विशेषण बड़ा शब्द है वो विशेषण है। अब उससे वाक्य बनाना है। रवि मेरा बड़ा भाई है। आगे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों में से कभी न गुजरा था, तो बाका शब्द विशेषण है इसमें। अब उसका वाक्य बनाना है। कृष्ण बाके बिहारी के रूप में अच्छे लगते हैं। आगे नंबर, बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया, तो ठंडा शब्द है वो विशेषण है। अब उसका वाक्य बनाना है। गर्मी में ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आगे नंबर, वे अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे, तो प्यारा शब्द है वो विशेषण में है, तो उससे वाक्य बनाना है। रमा के दो प्यारे बच्चे हैं। फाइव नंबर पर है बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे, तो प्रसिद्ध शब्द है वो विशेषण है इसमें, इस वाक्य में। अब उससे कोई भी आप वाक्य बनाना है। गांधी जी विश्व के महान महात्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। इस तरह आप लोगों को ये वाक्य बनाने लिखने हैं, और ऑपोजिट वर्ड शब्द समूह सब नोटबुक में कंप्लीट कर देना है। ओके, थैंक यू।